आदियन स्टोरेल, आज मेरे साथ रिया रंजन, इनको हम खास करके बोला करते थे रिया रंजन इमली चट्टी। ये क्यों खास मेरे लिए है, क्योंकि इन्होंने 99 क्या बोले 100% इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई किया मेरे पास, अपने लिमिटेशंस थे। और रिया रंजन आज स्वागत है। ये आप बताइए आपका मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स कैसे कैसे रहा, थोड़ा लाउड बोलेंगे तो सब कुछ सुन पाएंगे। इंग्लिश में 89, बीएसटी में 100। इस बार आप सारे वीडियो में देख रहे हैं सारे लोग 100। हाँ, फिर अकाउंट्स में 95 और इकोनॉमिक्स में 97 एंड पेंटिंग में 97। हम लोग सबसे पहले इनसे बीएस में जानने की बात करें कि आपने केस बेस्ड क्वेश्चन, जो सीबीएसई का अभी से सब बदलाव आया है, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या तरीका अपनाया? सर, जैसा कि आपने बताया था, एनसीईआरटी ही बेस है सारे क्वेश्चंस का। अगर एनसीईआरटी को थॉरली रीड कर लेते हैं उसके बाद कहीं और से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, फिर सारा केस स्टडीज जो भी है वो एक बार अंडरस्टैंड करके सब सॉल्व हो जाता है। आपने जितने भी अभी तक के स्टूडेंट्स का देखा होगा, सब लोगों ने एनसीईआरटी को बोला है, तो जो जूनियर्स, जो व्यूअर्स, या आप रखिए कि एनसीईआरटी आप नोट्स बनाई थी क्या, आपको बीएसटी का बताइए इन लोगों को। सर, आपने जो पढ़ाया था लेक्चर्स वो देखा था मैंने, और एनसीईआरटी रीड करा था, और जहाँ जहाँ जरूरत होती थी वहाँ पे नोट्स बनाया था बस। अकाउंटेंसी के लिए आपने, रिया रंजन, आपने क्या तरीका अपनाया, क्या स्ट्रेटजी था आपका? सर, लाइव क्लासेस आपकी होती ही थी, उसके अलावा जब भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो रिकॉर्डिंग्स रहते ही थे, और आपने एनसीईआरटी पढ़ाया था टीएसए दिवाली के साथ में, तो वो काम लग गया। अच्छा, ये बताइए एनसीईआरटी का रोल अकाउंटेंसी में आइए, एनसीईआरटी का रोल। सर, बोला जाए अगर तो ऐसा है कि सारे ही सब्जेक्ट में एनसीईआरटी ही काम किया है, जैसे कि आपने बोला था कि आप टीएसए दिवाली से सॉल्व कर लो एंड देन एनसीईआरटी पे फोकस करो, तो क्वेश्चन जो है वो बेस्ड एनसीईआरटी पे ही रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एनसीईआरटी इनफ है। यस, जरूर जूनियर्स, ये हमेशा आप निश्चित मान के चलिए कि बिना एनसीईआरटी के गुंजाइश नहीं है। आगे क्या प्लान है रिया रंजन? सर, अभी तो सीयूईटी में भी एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती हो? यस सर, ऑफकोर्स, एनसीईआरटी जैसे कि बताया मैंने, बेस है हर चीज का बेस है। चलिए, बहुत अच्छा, स्वागत है रिया रंजन के साथ, उनके पापा जी भी साथ में है, आज बड़ा अच्छा दिन है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, हम लोग को ये बताएंगे आपकी क्या मुश्किलें हैं, रिया रंजन निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स।